तेज की सभी वीडियो देखने के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ताज बदल दो, ताज बदल दो, चुनावी वादे। नमस्कार, स्वागत है आपका सिरसा तेज वेब चैनल में। मैं हूं प्रमोद और इस समय मौजूद हूं शहर के परशुराम चौक पे। जैसा कि आपको पता है कि केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में 4 साल पूरे किए हैं और 4 साल पूरा होते ही जो कांग्रेस है उसका विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने जो वादे किए थे वो जनता के साथ विश्वासघात किया है, क्योंकि जो वादे चुनाव के वक्त किए थे उनमें से वादे पूरे नहीं हुए, और इसी को लेकर के आज कांग्रेस है पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर विश्वासघात दिवस मना रही है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं कि परशुराम चौक पे शहर के तमाम कांग्रेसी हैं और आज विश्वासघात दिवस मनाया जा रहा है। खास करके इस सरकार ने जो वादे किए थे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जो मोदी सरकार ने जो वादे किए थे उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है, सरकार अपने वादे पूरे करे। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि कांग्रेस के शहरी अध्यक्ष है पंकज चौहान, उनका उन्होंने मुंडन करवाया है। इसके साथ कुछ और करने अन्य कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी इस विरोध स्वरूप मुंडन करवाया है। इनका आरोप है कि सरकार अपने वादे पूरे करे। आज मुंडन करवा के कांग्रेस ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया है परशुराम चौक की। तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है और जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनकी ओर से मुंडन करवाया। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं होशियारी लाल शर्मा, और जैसा कि आपको पता है कि आज कांग्रेस पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर विश्वासघात दिवस मना रही है। सिरसा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से मुंडन करवाया गया है। इनका आरोप है कि सरकार अपने जो वादे किए थे चुनाव से पहले उनको पूरा करे। तो हम चर्चा करते हैं, होशियारी लाल जी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कारण है? ये मोदी सरकार 4 साल पहले जब चुनाव हुए थे 154 वायदे किए थे, 154 वायदों में आज तक भी एक भी वायदा पूरा नहीं किया। 154 वायदों में 15-15 लाख काला धन लाएंगे, 15-15 जनता के खाते में डालेंगे, वो आज तक जनता देख रही है। दो करोड़ नौकरियों की बात कही थी, एक भी नौकरी लगी। इन्होंने बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही थी, वो भी नहीं मिला। तो 154 किसानों की बात थी, व्यापारियों की बात थी, नोटबंदी करके तो किसानों व्यापारियों को और भी उजाड़ दिया। GST लगा के और भी महंगाई बढ़ गई, व्यापार बंद हो गया, और डीजल पेट्रोल के रेट आज आसमान को छू रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, सरकारी कर्मचारी दुखी है, व्यापारी दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है। तो आज हम कांग्रेस पार्टी विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। मोदी ने जो जनता से विश्वास दिलाया था, जो बातें कही थी, वो विश्वासघात किया है, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। आज जनता में भारी आक्रोश है, और जब भी चुनाव होंगे सारे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, स्टेटों में कांग्रेस सरकार बनेगी। आज जनता बहुत दुखी है, जनता रो रही है। थैंक यू। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए सिरसा तेज के लिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। शुक्रिया।